हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज अलग से एक पांचवा टेस्ट सीरीज चलता है वो है स्टाफ एंड वेलफेयर, उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट या APU, इन तीनों पोस्ट की जो तैयारी करते हैं उसका कम्बाइंड टेस्ट चलता है। और लगभग मिले जुले जो क्वेश्चन हैं वो तीनों में सेम ही आते हैं लगभग। जो APU का है थोड़ा स्टैंडर्ड ऊँचा होता है, उनके लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है। सब मिला जुला के क्वेश्चन टेस्ट अच्छा चलता है। यदि आपने इस टेस्ट में भाग लिया है तो आपको बहुत ही बड़ा हेल्प होने वाला है। जो डिपार्टमेंटल APU और OS वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो तैयारी होती है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और यहाँ से टेस्ट दे के बहुत लोगों ने रिजल्ट भी प्राप्त किया है। अभी तक 32 टेस्ट हुए हैं और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स गया है। ये जो आपको वॉल्यूम है, जैसे ही हमारा 10 टेस्ट कम्प्लीट होता है तो उसका एक वॉल्यूम बनता है। जैसे हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 1 से लेके 10 तक जो हुआ उसका वॉल्यूम 1 बना हुआ है, 11 से लेके 20 तक जो हुआ उसका वॉल्यूम 2 बना हुआ है, और 21 से लेके 30 तक के जो टेस्ट हुए हैं उसका वॉल्यूम 3 बना हुआ है। यानी कि एक ही वॉल्यूम में, एक ही सेट में 10 सेट के क्वेश्चन रहेंगे और आंसर रहेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी रहेंगे। एक वॉल्यूम में 110 के हिसाब से 1100 क्वेश्चन होते हैं लगभग, लेकिन आपको 1500, 1400, 1600 इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से ऐड भी किया जाता है, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम 13। टोटल इसको बनाने में 70 दिन का समय लगता है और 70 डेज के कठिन परिश्रम से जो टेस्ट आप लोगों के सहयोग से चलता है, उसी के सहयोग से ये बना है। इसमें 10 क्वेश्चनों का सेट रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ा हेल्पफुल चीज़ है। ये पहला जो इसमें टेस्ट में जो क्वेश्चन रखा गया है इस वॉल्यूम में, वो टेस्ट सीरीज नंबर 21 है। ये ईस्टर्न रेलवे हावड़ा डिवीज़न का क्वेश्चन रखा गया है, जिसका एग्ज़ाम डेट था 10/8/2024, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हमारा टेस्ट लिया गया था 25/8/2024। ये जो ओरिजिनल एग्ज़ाम डेट है वो लिए रखा जाता है, और ये हम जो टेस्ट लेते हैं उसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रहता है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है और आपके हक में ही किया जाता है। मॉडिफाइड मतलब जो क्वेश्चन हल्का है, जो क्वेश्चन ईजी है, या कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें ऐड करना है तो उसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये चेंजिंग, और इसका लाभ भी मिला है बहुत ही अच्छा। अभी जमालपुर डिवीज़न में जो रिजल्ट हुए हैं वेलफेयर में, 5 में से 4 हमारे विद्यार्थी हैं, उन चारों के हम दिखाएंगे आपको कैसे उनका रिजल्ट हुआ है। हमारा जो कम्युनिटी है टैब यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर देखिएगा, सबका पिक्चर सहित लगा हुआ है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन रखा गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न का, जिसका एग्ज़ाम डेट था 14/8/2024, और इसी क्वेश्चन से हमारा टेस्ट लिया गया था 1/9/2024 को। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम डेट था 30/8/2024, ये रखा गया है। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें टेस्ट सीरीज नंबर 24 हमारा, वो RG ज्ञान क्लास, यानी कि मैंने ये क्वेश्चन सेट किया था। 10-8 टेस्ट के बाद एक क्वेश्चन मैं भी सेट कर देता हूँ, थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए टेस्ट में, ठीक है। तो उसका भी बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद पांचवा जो इसमें टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज नंबर 25, वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है, बिलासपुर डिवीज़न का है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम डेट 26/8/2024 है। उसके बाद छठा जो इसमें क्वेश्चन रखा गया है, ये मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन को रखा गया है, जिसका एग्ज़ाम डेट था 21/9/2024। सब क्वेश्चन एकदम करेंट वाले हैं। टेस्ट सीरीज नंबर जो 27 है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन रखा गया है। सभी क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। ये जो PDF है, इसके 2 PDF बनाए गए हैं। एक में आंसर को डार्क कर दिया गया है, एक में आंसर बिल्कुल नहीं दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या है कि आप एक PDF से पूरा थोड़ी आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और दूसरा जो PDF है उससे आप अपना खुद घर में टेस्ट बैठ के दे सकते हैं, तो उसमें आंसर नहीं रहेगा। आप आराम से टेस्ट दे के बाद में आंसर वाले PDF से उसमें आंसर मिला सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो सातवां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चन था। आठवां जो क्वेश्चन इसमें रखा गया है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आगरा डिवीज़न का क्वेश्चन रखा गया है, जिसका एग्ज़ाम डेट था 15/3/2024। टेस्ट सीरीज नंबर 29 जो इसमें है, नौवां क्वेश्चन वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीज़न का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो दसवां क्वेश्चन इसमें है, साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न का क्वेश्चन है। इसमें ये जो है ये डार्क आंसर वाला यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। दूसरा PDF जो होगा उसमें लिखा रहेगा विदाउट आंसर, ये डार्क आंसर वाला है। इसमें सभी आंसर जिसको डार्क कर दिए गए हैं, ये भी है, देखिए। ये सब सारे आपको
डार्क मिलेंगे। तो टोटल इसमें 151 पेज है, ठीक है। जो भी टेस्ट में जो जिन्होंने भी हमारे मटेरियल सहित इस क्लास को ज्वाइन किया है हमें, उनको ये, और उन्होंने टेस्ट में भाग भी यदि लिया है तो उनको ये बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी टेस्ट में यदि भाग लेते हैं और 3000 पे के साथ यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, यहाँ से एक रोल नंबर आपको मिला हुआ है, WT वाला रोल नंबर नहीं होना चाहिए, 123 वाला रोल नंबर यदि मिला हुआ है तो उनको ये फ्री में दिया जाता है। बाकी जो कुछ लोग 200 महीने देके टेस्ट में सिर्फ ज्वाइन करते हैं तो उनको ये वॉल्यूम उनके लिए नहीं है। आपका हमारा संबंध सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चन तक है, यदि टेस्ट के किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम आपको क्लियर करेंगे, बाकी उसका जो वॉल्यूम बनेगा वो नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का मटेरियल यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको कलेक्ट कर लीजिए यदि हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा आपका रोल नंबर यहाँ से मिला हुआ है, 3000 पे के साथ जुड़े हैं, तो इसको यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।